आज हम टूटी फ्रूटी घर पर किस तरह से बनाई जाती है वो देखेंगे। मार्केट में वैसे तो आपको टूटी फ्रूटी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे कलर चाहिए तो वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह की अलग अलग ब्राइट कलर वाली टूटी फ्रूटी आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कोई भी केक, बिस्किट, आइसक्रीम या तो फिर मिल्कशेक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कच्चा पपीता लिया है जिसका वजन 900 ग्राम है। पपीते को अच्छी तरह से साफ करके उसके छिलके हमें निकाल देने हैं। पपीता हमें इस तरह का फ्रेश लेना है। पपीते के छिलके निकालने के बाद उसे हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद पपीते के अंदर का जो व्हाइट कलर का हिस्सा होता है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि वो टेस्ट में कड़वा होता है। और फिर उसके बाद पपीते के बहुत ही बारीक टुकड़े करेंगे। इस तरह से हम पपीते के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। बीच वाला जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसे आप बहुत ही सावधानी से निकालें, क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट में कड़वा होता है। तो अगर वो थोड़ा सा भी रह जाएगा तो टूटी फ्रूटी में थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। इस तरह से इसे बहुत ही बारीक टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। पपीते को कट करने के बाद एक नॉनस्टिक में 4 कप हम पानी लेंगे। मैंने जो पपीता लिया है वो वजन में 900 ग्राम के करीब है, तो यहाँ पर मैं 4 कप पानी ले रही हूँ। आप जितने वजन का पपीता ले उसके हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी ले। पानी को हम अच्छी तरह से पहले उबलने देंगे। जब उसमें उबाल आ जाएगा तब उसके अंदर हम कट किया हुआ पपीता डालेंगे। पानी अभी अच्छी तरह से उबल चुका है तो उसके अंदर हम कट किया हुआ पपीता डालेंगे। गैस की फ्लेम अभी मैंने फास्ट रखी है। फास्ट फ्लेम पर इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। पपीता अभी कच्चा है तो आपको वो थोड़ा सा सख्त दिखाई देगा, लेकिन पानी में उबलने के बाद वो नरम हो जाएगा। 8 से 10 मिनट उबलने के बाद पपीता अभी थोड़ा सा नरम हो गया है और उसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब इसे हम पानी में से निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे इस तरह से निकाल सकते हैं या तो फिर छलनी में भी डाल सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब उसी नॉनस्टिक में हम 2 कप चीनी लेंगे और उसमें 3 कप पानी डालेंगे। चीनी का वजन देखें तो 350 ग्राम के करीब है। सारी चीज़ें मैंने इस कप से मेज़र करके ली है। गैस की फ्लेम हम फास्ट रखेंगे और इसे उबलने देंगे। यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, एक या दो तार वाली, लेकिन जब तक चीनी घुल नहीं जाती और उसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें इसे पकाना है। 3 से 4 मिनट में चीनी बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाएगी और उसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। चीनी अभी अच्छी तरह से घुल चुकी है और पानी में अच्छी तरह से उबाल आना भी शुरू हो गया है, तो तुरंत ही हम उसके अंदर पपीता डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें फास्ट रखनी है इस पूरी प्रोसेस के दरमियान। 8 से 10 मिनट के लिए हम पपीते को चीनी वाले पानी में उबाल देंगे ताकि वो और थोड़ा सा नरम हो जाए और उसका जो कलर है वो और भी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थोड़ी सी पतली दिखाई देगी, लेकिन 8 से 10 मिनट उबलने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी और ये आपके हाथों में भी थोड़ा सा चिपकेगा। 8 से 10 मिनट उबलने के बाद इसमें इस तरह के उबाल आने शुरू हो जाएंगे। पपीता पककर थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस तरह से इसे चेक कर लेंगे। तो अभी ये हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है, तो अभी ये पककर तैयार है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसे हम इस तरह से 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं जेल कलर यूज कर रही हूँ। आपको जिस कलर की टूटी फ्रूटी बनानी है उस हिसाब से आप इसे डिवाइड करें और उसके अंदर कलर ऐड करें। मैं यहाँ पर जेल कलर यूज कर रही हूँ तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लगती है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप जितनी लगती है। लेकिन अगर आप वाटर बेस्ड कलर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऐड करें।
मैं यहाँ पर एक मैं वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ, तो एक टीस्पून के करीब मैंने ऑरेंज वाटर कलर लिया है। वाटर कलर से भी टूटी फ्रूटी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो आपके पास जेल कलर नहीं है तो आप उसे भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम वैनिला एसेंस डालेंगे। मैं यहाँ पर सभी टूटी फ्रूटी में सेम एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये टूटी फ्रूटी में ज़्यादातर केक और बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आपको कलर के हिसाब से उसके अंदर एसेंस डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज में ऑरेंज एसेंस, ग्रीन में कच्ची कैरी का एसेंस, येलो में पाइनएप्पल का एसेंस और रेड और पिंक में रोज एसेंस। अगर आप एसेंस और कलर अलग अलग कर रहे हैं तो फिर टूटी फ्रूटी को मिक्स ना करें, क्योंकि सभी एसेंस की जो खुशबू होती है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी। तो अगर आप कलर के हिसाब से एसेंस डाल रहे हैं तो टूटी फ्रूटी को अलग ही रखें। मैं सभी टूटी फ्रूटी को मिक्स करके इस्तेमाल करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने कॉमन वैनिला एसेंस यूज़ किया है। मिक्स करते वक्त आप और एक बात का ख्याल रखें कि सभी के लिए अलग अलग चम्मच का इस्तेमाल करें, नहीं तो कलर एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो कलर है वो टूटी फ्रूटी के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। पाँच से छः घंटे के बाद इस तरह से एक बर्तन के ऊपर छलनी रखेंगे और उसके अंदर एक एक कलर वाली टूटी फ्रूटी हम निकालेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है उसका वो निकल जाए। दो से तीन मिनट इसे रहने देने के बाद उसे हम एक थाली में निकाल देंगे और उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। हर बार आपको छलनी को धोकर ही इस्तेमाल करना है, नहीं तो एक टूटी फ्रूटी का कलर दूसरे में मिक्स हो जाएगा। अगर आपको हर बार छलनी को धोकर इस्तेमाल नहीं करना है तो इस तरह की जो छेद वाली प्लेट आती है उसमें भी आप टूटी फ्रूटी इस तरह से निकाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी को थोड़ा सा फैला दें, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। सभी के बीच हम इस तरह से थोड़ी सी जगह रखेंगे, ताकि कलर एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। अभी जो ये चीनी वाला सिरप बचा है उसका इस्तेमाल या तो आप शरबत बनाने के लिए या तो बर्फ का गोला बनाने के लिए कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद टूटी फ्रूटी अभी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। टूटी फ्रूटी को आप फ्रिज में 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कोई भी केक, बिस्किट, आइसक्रीम या श्रीखंड बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टूटी फ्रूटी बनाकर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।